बागली के नगर चापड़ा में 4 दिसंबर की रात अज्ञात बदमाश द्वारा स्वतंत्र जैन की किराना दुकान में चोरी की घटना को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि जिस दौरान बदमाशों द्वारा दुकान से नगद 1,80,000 रुपए चुरा कर ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट बागली थाने पर दर्ज कराई गई थी, लेकिन घटना को लगभग 20 दिन से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसको लेकर शनिवार के दिन व्यापारी एसोसिएशन चापड़ा अध्यक्ष बद्रीलाल पाटीदार के नेतृत्व में बागली SDOP कार्यालय पहुंचकर SDOP राकेश व्यास को पुलिस अधीक्षक के नाम का ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस द्वारा जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। यदि जल्द ही आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई तो व्यापारी संघ द्वारा चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। अनुभागीय अधिकारी महोदय को, तो क्या है पूरा मामला? पूरे मामले की कथा वस्तु शुरू होती है 4 दिसंबर से। उस दिन रेकी करके, ये रेकी शब्द इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि उसके 10 मिनट पहले 2 दुकानों पर उन्होंने ताले तोड़े और उसके बाद आके बागली रोड पे जो किराना के होलसेल व्यापारी हैं स्वतंत्र जैन, उनकी दुकान पे शटर उचका के और गले में से रुपए निकाल के, और ये सब पूरा घटनाक्रम 10 मिनट में होना, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग से हुआ है। क्या मांग की गई है ज्ञापन के माध्यम? मांग जस्टिस, केवल न्याय चाहिए, चोरों का चेहरे उजागर होना चाहिए और उस माध्यम से जो है पुलिस प्रशासन की भी वाहवाही हो और व्यापारियों में से डर खत्म हो। यदि आरोपी नहीं पकड़ा है तो क्या प्लान आगे की रणनीति रहेगी? चरणबद्ध तरीके से उसका जो है निराकरण व्यापारी एसोसिएशन ने किया है कि पहले अगले 7 दिन बाद हम गांधीगिरी के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सभी अधिकारियों का घेराव करके उनको फूल देंगे, और उसके पश्चात भी अगर कुछ नहीं होता है तो अगले 8 से 10 दिन में जो ट्रैफिकली जंक्शन चापड़ा चौपाटी है उसको व्यापारिक सभी मिलकर जो है बंद करवाएंगे, और उसका अगला चरण अगली मीटिंग के बाद तय होगा। चापड़ा व्यापारियों द्वारा यहाँ पर एक आवेदन दिया गया है चोरी को मामले को लेकर, क्या प्रॉब्लम है? ये शटर उठा के चोरी की गई है, इसमें हम तलाश रहते हैं और निश्चित सफलता मिलेगी। अभी उसमें फुटेज भी हमने लिए हैं और उसमें साइबर सेल की भी प्रयास किए जा रहे हैं और हम शीघ्र ही निकाल लेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। सर, इसमें फुटेज भी आरोपियों के आए हैं तो? आए हैं, उसमें उसी के आधार पर हम इसकी तलाश कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।